नमस्कार किसान भाइयों, फार्मर सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे मात्र 10 रुपया खर्च करके किसान भाई नील गाय से अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। आज किसान भाइयों की सबसे गंभीर समस्या है जंगली जानवरों से फसलों को होने वाला नुकसान है, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से नील गाय से होने वाला नुकसान है। किसान भाई दिन में खेतों पर काम करते हैं और फिर रात रात जाकर फसलों की सुरक्षा करते हैं, फिर भी फसलों को नील गाय के द्वारा नुकसान कर ही दिया जाता है। फसलों को खाती भी हैं और साथ साथ पौधों को पैरों से तोड़कर भी पौधों को नुकसान पहुँचाती हैं। इनसे बचाने के लिए किसान भाई कई तरह के उपाय करते रहते हैं, जैसे खेत के चारों तरफ तारबंदी करना, सोलर झटका मशीन लगाना आदि प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन इनमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। जो हमारे छोटे किसान भाई होते हैं उनके खेत कई टुकड़ों में बटे होते हैं, जिससे वह इतना खर्च करके अपनी फसलों को नहीं बचा सकते हैं। बाज़ार में कई तरह के घोल भी उपलब्ध होते हैं नील गाय के नाम पर, लेकिन इनसे प्रभावी रूप से नील गाय कंट्रोल नहीं होती है। तो आज हम बताएंगे आपको बिल्कुल देसी और सस्ता उपाय, जिसको अपनाकर अपनी फसलों को किसान भाई बचा सकते हैं। इसमें मात्र 10 रुपये का खर्चा आता है। इसके लिए सड़े हुए 2 अंडे लें और 15 लीटर पानी में घोल लें और उसे सड़ने के लिए 5 से 10 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि गंध जो है अधिक से अधिक उत्पन्न हो सके। यह घोल जितना पुराना होता है उतना ही प्रभावी रूप से काम करता है, उतनी ही ज़्यादा इसमें गंध उत्पन्न होती है। अब इस घोल को जिधर से नील गाय आपके खेत में प्रवेश करती है उधर ज़मीन पे अच्छी तरह से छिड़काव कर दें, या खेत के चारों ओर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका छिड़काव पौधे के ऊपर नहीं करना होता है, खेत के चारों तरफ मिट्टी पर ही आपको छिड़काव करना होता है, क्योंकि नील गाय स्वभाव से शाकाहारी प्रवृत्ति की होती है। उन्हें सड़े हुए अंडे की गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती है, इसलिए जहां घोल का छिड़काव किया जाता है वहां नील गाय नहीं आती है और इसके साथ साथ बंदर भी नहीं आते हैं। तो इस विधि से नील गाय के साथ साथ बंदरों से भी फसलों को बचाया जा सकता है। इस घोल को 15-15 दिन के अंतराल पर खेत के चारों तरफ छिड़काव करते रहते हैं। यह नील गाय को भगाने की सस्ती और प्रभावी विधि है। इसका प्रयोग करके आप अपनी फसलों को नील गाय से बचा सकते हैं। तो आप भी अपने खेतों पे इसका प्रयोग करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।